मच अवेटेड 3.1 अपडेट आ चुका है भाई। किस किस को ये वाला अपडेट अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताना। तो भी आज की लॉबी एकदम खतरनाक है, अमीरों वाली है। सामने की तरफ ही ब्लड रेवन एक्सूट वाला बंदा है और भाई ग्लेशियर एक्सूट वाला बंदा भी होता है, तो फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाने वाली है। तो भाई मैं इसी के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो वीडियो को जो है फटाफट से लाइक कर देना। अब यहाँ पे मैं उतर रहा होता हूँ ये इवेंट वाली लोकेशन पे। अब सीन देखो मेरे साथ क्या होता है। मुझे लग रहा था कि भाई मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा आसानी से, लेकिन भाई मेरे साथ स्कैम हो जाता है यहाँ पे। अब मेरा टीममेट जो है मुझे फॉलो कर रखा था और ऊपर से एक स्क्वाड जो रहती है पीछे की तरफ ऊपर नहीं जा पाती है, तो वो स्क्वाड जो रहती है मेरे टीममेट के साथ लैंड करती है। और बस तुम अब सीन देखो क्या होता है मेरे टीममेट के साथ। टीममेट यहाँ पे मारा जाता है और भाई ऑलरेडी एक हमारा टीममेट जो है एग्जिट करके चला गया था गेम। तो यहाँ पे मैं टीममेट को रिकॉल दे देता हूँ और सीधा ये इवेंट वाली लोकेशन पे आता हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्वाड होती है। फिलहाल जैसे ही मैं क्लोज इन करता हूँ तो सामने की तरफ ही दो बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे। अब तीसरा वाला बंदा जो रहता है ऊपर छत पर होता है। जैसे मुझे उसके फुटस्टेप की आवाज़ आती है तुरंत ही मैं लोकेशन चेंज करता हूँ। अब भाई ये वाला बंदा जो है पूरी कोशिश करता है मुझे मारने की। फिलहाल वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है ऊपर की तरफ। अब मैं समझ चुका था भाई मैं यहां पे गिर चुका हूं, तो देखो मैं क्या दिमाग लगाता हूं। यहाँ से तो मैं निकल जाता हूँ लेकिन टीममेट नॉक हो जाता है। अब जैसे ही सामने की तरफ आता हूँ तो एक बंदा मैं नॉक करता हूँ, तुरंत ही मैं इसे फिनिश डाल देता हूँ। अब भाई इसके बाकी के बंदे कहाँ पे थे मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो बंदे जो रहते हैं कैंप कर रहे थे। अब भाई आगे इतना ज़्यादा खतरनाक वाला मेरे साथ सीन हो जाता है। भाई ग्रेनेड जैसे मैं कुक करता हूँ बंदे पे, भाई वो भी बंदा मुझ पर ग्रेनेड कुक कर देता है और वहाँ पर मेरी 1 HP हो जाती है और सामने की तरफ ही पूरे 3 बंदे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखता है और भाई एक बंदा नीचे की तरफ से मुझ पर क्लोज इन कर रहा था। तो शायद से मुझे लग रहा था कि उस बंदे को मेरी लोकेशन पता चल गई है। गोल्ड मिले एस मास्टर को था अति माइनस लग गई एस मास्टर 957 भाई के दे अति माइनस। अब नया सीजन आ रहा ना पेपर खत्म। भाई क्या बचा हूं मैं यहां पे। अब मैं फटाफट से हील करता हूँ और बाकी के 3 बंदे होते हैं। तो एक बंदा तो मैंने नॉक कर दिया ग्रेनेड से और 2 बंदे सामने की तरफ ही जाते हुए दिखते हैं। अब जब तक मैं क्लोजिंग कर रहता हूँ तब तक वो बंदा शायद से रिवाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक टीममेट जो है DDS चला रहा था। ये वाले क्लच के लिए तो भाई एक लाइक तो बनता ही है और हो सके तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। अब मैं यहाँ पे लूट कर ही रहा था उतनी देर में ही एक और स्क्वाड जो रहती है मुझ पर पुश कर देती है। अब ये वाला तुम क्लच देखना भाई, ये वाला क्लच देख के तो मज़ा ही आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ सामने की तरफ बंदा आता है।
अब इसके बाकी के दो बंदे होते हैं जो कि भाई सामने वाली बिल्डिंग के अंदर होते हैं, तो यहाँ से मैं एक ग्रेनेड फेंकता हूँ। पहले ग्रेनेड से तो कुछ होता नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कुक कर लिया था, लेकिन वो जगह चेंज करके सामने वाले एग्जिट बिल्डिंग पे आ जाती हैं। अब भाई जैसे ही मैं नेड फेंकता हूँ तो सामने वाला बंदा मॉली फेंक देता है, वो तो बाल बाल में यहाँ पे बच जाता हूँ, तो ये दोनों के दोनों बंदे जो हैं नॉक हो जाते हैं। तो अब बचता है इनका आखिरी वाला बंदा, तो मैं आखिरी वाले बंदे को लूटता हुआ आगे की तरफ आता हूँ। इनका आखिरी वाला बंदा शायद से 9-2-11 हो गया होगा, तो पीछे की तरफ आता हूँ तो मुझे बॉट दिखता है। तो इन्हें निपटाने के बाद अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सीधा आता हूँ जॉर्जो पोल की तरफ। अब जॉर्जो पोल की तरफ बोट आई थी जो हवा में उड़ती है, तो उस बोट पे बंदे ज़रूर से मिलेंगे और भाई पक्का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट भी होगी क्योंकि वहाँ पे बोट रुकने वाली है। तो जैसे ही मैं बग्गी लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे साउंड आता है फाइटिंग की आगे की तरफ से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड में बग्गी को रोकता हूँ। अब बस तुम खाली ये वाला सीन देखना क्या होता है मेरे साथ। किल की लालच में बग्गी को रोक लेता हूँ, भाई बंदों को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई सामने वाला बंदा इतना अच्छा मार रहा था, मैंने बोला यहाँ पे अगर थोड़ी देर और रुका तो मेरी पेटी बन जाएगी, तो फटाफट से बग्गी को उठाता हूँ। कोचिंग की तरफ आता हूँ और भाई सामने की तरफ ही दो फ्लेयर चली थी। अब ये जो तो फ्लेयर मंगाई है वो एक्सूट वाले बंदे की स्क्वाड होती है जो कि भाई ब्लड ड्रेवन एक्सूट वाला बंदा होता है। तो यहाँ से मैं बंदा स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, नीचे की तरफ ही मुझे बंदा दिखता है। मैं अपनी लोकेशन रिवील कर देता हूँ और भाई बाल बाल यहाँ पे बचता हूँ। अब मेरा टीममेट जो है पहाड़ पे होता है और वो एक्सूट वाले बंदे को नॉक कर देता है। जैसे ही बंदा नॉक होता है तुरंत ही मैं उसे कन्फर्म कर लेता हूँ। अब तुम्हें ज़रा सी भी ये वाली एंट्री पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि बग्गी से जो अभी स्टंट होने वाला है उसे देख के तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बग्गी में बैठता हूँ, अभी भी वहाँ पे पोर्टल खुला हुआ होता है, तो यहाँ पे बस देखो क्या मैं आईक्यू लगाता हूँ। अब भाई इनका आखिरी वाला बंदा जो है काफ़ी अच्छा खेल रहा था, मुझ पे मॉली फेंकता है सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ, फटाफट से हील करता हूँ। जब तक मैं हील करता हूँ भाई सीधा मुंह पे ही मेरे ग्रेनेड गिरता है, तो अब वो वहाँ पे सामने की तरफ टीपीपी ले रहा था, तो यहाँ से मैं ग्रेनेड खींचता हूँ, तो शायद से पैनिक रूम की तरफ गया है, तो यहाँ से मैं रूम के अंदर ग्रेनेड फेंकता हूँ। पहले ग्रेनेड से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दूसरे वाले से भाई पेटी बना देता हूँ इसकी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और एक्सूट वाले बंदे की स्क्वाड आती है और जब उस वाले बंदे से फाइट होती है तब भाई और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो 1v1 प्योर फाइट होने वाली है और भाई दो बंदों को एक साथ लपेटने वाला हूँ मैं। गिली सूट वाले बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई ये सामने की तरफ कैम्प करने लगता है और भाई ये पूरी स्क्वाड होती है वही एक्सूट वाले बंदे की जो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं बात ही नहीं बन रही थी, तो ऊपर की तरफ ही मुझे कालीन की उड़ने की आवाज़ आती है, मतलब कोई उड़ रहा था मेरे ऊपर की तरफ तो मुझे आवाज़ आती है, देखता हूँ मैं। अब बस तुम ये वाला नॉक देखना, तुरंत ही मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और भाई देखता हूँ कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। अब इसे जैसे नॉक करता हूँ भाई वो तुरंत ही वो डांसिंग वाला ग्रेनेड फेंकता है, तो यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ।
सामने की तरफ ही एक सूट वाला बंदा होता है और भाई गिली सूट वाला होता है। तभी इसका एक टीममेट जो है क्लोजिंग कर लेता है। अब यहाँ पे दो बंदे बच रहे थे, मतलब कुल मिला के तीन बंदे हैं। एक बंदा अभी अंदर की तरफ है, उसे मैं कैसे निपटाता हूँ बस तुम देखो। यहाँ पे आता हूँ, मुझे पैनिक रूम के अंदर के फुटस्टेप की आवाज़ आती है, ग्रेनेड के पिन खींचता हूँ। ग्रेनेड से सही फेंकता हूँ, लेकिन एंड मूवमेंट पे ये बंदा अंदर की तरफ चला जाता है। अब मुझे सामने की तरफ मौका भी दिखता है, बंदा जो रहता है पीछे की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या दिमाग लगाता हूँ भाई, पोर्टल का यूज़ करता हूँ और बस अब तुम देखो क्या ही बंदों पे पुश करने वाला हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ सामने की तरफ ही दो बंदे होते हैं और भाई कैसा लगा ये वाला स्क्वाड वाइप कमेंट में जरूर से बताना। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर देना, और भाई ये वाले क्लच के लिए तो लाइक बनता ही है तो जरूर से करना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। और हाँ, कमेंट में जरूर से बताना भाई कैसा लग रहा है गेम प्ले और वॉइस ओवर वगैरह कैसा जा रहा है, जरूर से बताना भाई ताकि मुझे भी पता चले भाई सही है या गलत है। तो अब यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया था, सर्कल के अंदर मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पर उठाता हूँ भाई अलादीन का वही कालीन वगैरह, तो जा रहा होता हूँ और भाई पोचिंग की स्क्वाड हाउस में मुझे बंदे दिख जाते हैं। हवा से जैसे ही एग्ज़िट करता हूँ तो भाई लैंडिंग अगर सही हो जाती है और भाई मेरे पास एडवांटेज मिल जाता है तो भाई इजीली मार सकते हैं। अगर भाई लैंडिंग इधर उधर हो गई तो यहाँ पे पेटी बन जाएगी। इन दोनों की पेटी बनाता हूँ और सीधा सर्कल के अंदर जाता हूँ मैं। अब सर्कल में चारों तरफ बंदे होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ ये वाला कोना पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी बंदा दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ तो सामने की तरफ ही मुझे ऊपर हिल पे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसे नॉक करने की कोशिश करता हूँ। इसे तो नॉक नहीं कर पाता, लेकिन सर्कल जो है थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है, मतलब सूरी हो चुका है और भाई मैं थोड़ा बाहर हो गया। अब यहाँ पे सीन देखो भाई, ये बंदा कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला और भाई मेरे साथ ये वाला स्कैम हो गया ऐसा कह सकती हो। खैर, वीडियो ये अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।